हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो आज हम लोग महात्मा गांधी जी के ऊपर कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और मैं हम वही देखेंगे, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं देखेंगे। और ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरा शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए मैं वीडियो प्रॉपर वे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलरली वीडियो डालता रहूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम महात्मा गांधी जी के बारे में। आप लोग चाहें तो मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं मेरे पेज को, फेसबुक पे ये एड्रेस है और इंस्टाग्राम पे ये है। और इंस्टाग्राम पे आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हूँ इस पेज को लेके, काफ़ी सीरियस हूँ, तो मैं इसके ऊपर डेली 5 से 10 क्वेश्चन तो डालता ही हूँ, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के डालता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इस पेज पर ज़रूर फॉलो करें, और मैं सेम क्वेश्चन फेसबुक पर डालता हूँ, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो उसको ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपके GS के लेवल में हेल्प हो आपकी। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना और फॉलो कर लेना, सो दैट कि आपका फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि गांधी जी का बर्थ था, जो डेट ऑफ बर्थ थी वो कब हुआ था। तो हुआ था कि 2 अक्टूबर तो सबको याद है, क्योंकि इस दिन छुट्टी भी होती है और नॉन वॉलेशन डे भी होता है। जो हुआ था 1969 के अंदर पोरबंदर गुजरात में। वट वॉज गांधी जीज एज वेन ही गॉट मैरिड टू कस्तूरबा? जैसे कि हमें पता है कि उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा था, तो उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी 13 की एज में। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाय? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ भी चुका है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था। तो वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको बापू का टाइटल दिया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच अवार्ड डिड गांधी जी रिटर्न? गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जो थी त्याग दी थी, क्योंकि उस समय पर 1919 में जो जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने केसरे हिंद की और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी थी, क्योंकि उसके बाद ही जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था 1920 में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस केम फ्रॉम द राइटिंग ऑफ? जो ये फार्मूला था, जैसे कि गांधी जी ने ये चीज़ जो है डांडी मार्च पर लगाई थी कि उन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था, तो ये इन सब की इंस्पिरेशन जो थी गांधी जी को मिली थी हेनरी डेविड थोरियो से मिली थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो गांधी जी के ऊपर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम में गांधी जी के बारे में कुछ भी पूछा जाता है, उनका बर्थ डेट, उनकी डेथ डेट, या उन्होंने जो जो किया था साउथ अफ्रीका में भी, इंडिया में भी, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गांधी जी के ऊपर। इनकेस अगर आपको कभी मौका लगे उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, बहुत कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। वेन वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 में, और जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसी दिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था। तो इसका सही आंसर होगा 9 अगस्त 1942। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया? जो इंडिया में सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो सबसे पहले स्टार्ट किया था चंपारण के अंदर 1917 के अंदर, क्योंकि देखिए 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए थे, और आने के बाद गांधी जी ने पूरा इंडिया का जहाज जो भ्रमण किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ, इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले, इनके जिनको GK गोखले भी बोलते हैं, उनको पॉलिटिकल गुरु माना जाता है गांधी जी का। और उसके बाद चंपारण में 1917 के बाद 1918 में मील की स्ट्राइक की थी, और 1918 में ही खेदा का आंदोलन हुआ था, खेड़ा आंदोलन। हु इज़ द ऑथर ऑफ गांधी जीज फेवरेट भजन वैष्णव जन तो तने कहिए? ये गांधी जी का फेवरेट जो था भजन था, इसके जो ऑथर थे वो थे नरसिंह मेहता जी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2 द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व एज? जैसे कि सबको पता है गांधी जी जो थे अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए 2 अक्टूबर को UN ने इसको एज ए नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करना का स्टार्ट किया। एट
विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड गांधी जी प्रिसाइड एज प्रेसिडेंट। तो कांग्रेस जैसे कि पता है हमें 1885 में बन गई थी, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ एक ही सेशन को प्रेसिडेंट बने थे, एक ही सेशन के, वो था बेलगांव का सेशन 1924 के अंदर। उसके अलावा गांधी जी ने कोई भी सेशन जो है प्रिसाइड नहीं किया कांग्रेस की तरफ से, सिर्फ यही किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने कौन सी जो सेशन था वो अटेंड किया था। तो जैसे फर्स्ट हुआ था 1930 के अंदर, उसके अंदर कम ही लीडर गए थे। और हाँ एक बात तो इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले मैं ये बता देता हूँ सीरियल क्या था उसका। 1932 में दूसरी हुई थी और 1932 में तीसरी हुई थी। इसमें ज़्यादा जो है कांग्रेस के लीडर नहीं गए थे, लेकिन दूसरी के अंदर गांधी जी गए थे, इसलिए ये सेकेंड राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये इसके लिए गांधी जी लंदन गए थे। और इन तीनों कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ एक ही आदमी गया था, ये क्वेश्चन भी बनता है जीएस के अंदर कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है किसने अटेंड की थी, तो वो की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। और सेकेंड 1931 वाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद हुई थी और महात्मा गांधी जी ने इसको अटेंड किया था, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड 1931। हु सेड अबाउट गांधी जी जनरेशन टू कम विल स्कार्सली बिलीव दैट सच ए वन एज दिस वॉक द अर्थ इन फ्लैश एंड ब्लड। तो ये जो लाइन कही थी गांधी जी के बारे में, ये कही थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोई भी वैसे बिलीव नहीं करेगा कि ऑप्शन ही ऐसा है कि आइंस्टाइन तो जो है वो साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो लेकिन ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही कही थी, तो याद रखिएगा ये। बल्कि एक बात और बता दूं मैं, विंस्टन चर्चिल ने तो गांधी जी को एक भूखा नंगा फकीर बोल दिया था, आधा नंगा फकीर बोल दिया था, आधा नंगा फकीर, और ये भी क्वेश्चन बनता है। हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। जो गांधी जी के साथ साल्ट जो सत्याग्रह था वो किया था सरोजनी नायडू जी ने उनके साथ में, जो कि साबरमती आश्रम से जाके डांडी में रुके थे और वहाँ पे जाके गांधी जी ने नमक बनाया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। तो जैसे मैंने बताया था कि 1918 में जो अहमदाबाद स्ट्राइक हुई थी उसके अंदर गांधी जी ने अपना जो हंगर स्ट्राइक है यानी कि भूख हड़ताल स्टार्ट की थी, तो ये फर्स्ट टाइम की थी अहमदाबाद स्ट्राइक के अंदर। और ये जो इसके मील के जो ओनर थे वो ब्रिटिश नहीं थे, वो इंडियन ही थे, ये चीज़ याद रखनी है, जो मील के ओनर थे जो वो इंडियन ही थे, वो अंग्रेज नहीं थे। और जो बारदोली सत्याग्रह है ये जुड़ा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि आज़ादी के बाद जो इंडिया 565 प्रोविंसेस के अंदर बटा हुआ था, 565 उन सबको एक धागे में पिरोने का काम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, इसलिए इनको आयरन मैन बोला जाता है। और उनके बर्थडे पे इस बार मोदी गवर्नमेंट ने उनके बर्थडे को एज ए एकता दिवस मनाने का, सेलिब्रेट करने का जो है वो स्टार्ट किया है एकता दिवस के नाम से, क्योंकि उन्होंने पूरे इंडिया को एक एकता बनाए रखी थी, एक धागे में पिरो दिया था। गांधी जी ऑर्गेनाइज डांडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट। जैसे मैंने बताया था कि जो उन्होंने साल्ट बनाया था डांडी मार्च के अंदर, तो इसका सही आंसर होगा इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन साल्ट। विच ऑफ दीज स्लोगन इज एसोसिएटेड विद गांधी जी। जो गांधी जी ने यूज़ किया था ये किया था डू ऑर डाई का 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, उस समय गांधी जी ने डू और डाई का नारा जो है दिया था। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, और दिल्ली चलो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इनकलाब जिंदाबाद, वैसे तो इसका सही आंसर भगत सिंह है लेकिन कहीं जगह कन्फ्यूजन है इसलिए मैं ये श्योरिटी से नहीं कह सकता कि भगत सिंह है। हाँ जब भी मेरे को श्योरिटी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये बार जरूर डाल दूंगा कि ये भगत सिंह ने दिया था या किसी और ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी।
जैसे कि मैंने बताया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को बोला जाता है, क्योंकि जिस टाइम 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए थे, उस समय गांधी जी बिकॉज 1893 में तो वो चले गए थे, तो 15 साल ये और 7 22 साल वो लगभग साउथ अफ्रीका में रहे थे, तो उनके लिए इंडिया जो था एक बिल्कुल ही अनजाना देश था। तो बाद में जब वो 1915 के अंदर इंडिया आए, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको पूरा इंडिया भ्रमण करवाया, और तब वहाँ पे जाके वो चंपारण गए थे, वहीं पे जाके उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जो कि अंग्रेज उनको किसानों को तड़पा रहे थे और तंग भी कर रहे थे कि अपने जो खेत हैं उनके अंदर नील की खेती करो तुम, लेकिन किसान जो थे वो नहीं चाहते थे, इसलिए वो किसान गांधी जी के पास गए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी जी ने जो थे न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे, तो जो इनके अंदर गांधी जी ने नवजीवन भी किया था, हरिजन भी किया था, यंग इंडिया भी किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वंदे मातरम। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि गांधी जी ने कौन सा पब्लिश किया था, तो उस टाइम पर याद रखना है तीनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। वंदे मातरम गांधी जी ने पब्लिश नहीं किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ नॉट बीन रिटन बाय महात्मा गांधी? उन्होंने न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे और बुक्स भी लिखी थी, तो जो उन्होंने बुक्स नहीं लिखी थी, तो उसका सही आंसर है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। उन्होंने की टू हेल्थ भी लिखी, हिंद स्वराज भी लिखी, और माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ उनकी ऑटोबायोग्राफी ही थी। आपको टाइम लगे तो ये जरूर पढ़िएगा। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? जैसे कि मालूम है हमें 1983 में वो गए थे साउथ अफ्रीका और लौटे थे 1915 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज नॉट स्टार्टेड बाय गांधी जी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिल्कुल गांधी जी द्वारा स्टार्ट की थी 1920 के अंदर। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये बिल्कुल 1930 के अंदर स्टार्ट की थी। क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 के अंदर स्टार्ट की थी। जो स्वदेशी मूवमेंट था वो चला था 1906 के अंदर, जो कि हुआ था बंगाल के विभाजन के ऊपर, क्योंकि 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, और जो आज का बांग्लादेश है वो पहले का ईस्ट बंगाल ही है, जो आज का प्रेजेंट बांग्लादेश है उसका नाम 1971 के अंदर ईस्ट बंगाल से चेंज करके बांग्लादेश रख दिया था, और जो इसका डिवीज़न किया था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि बंगाल डिवीज़न किसने किया था 1905 के अंदर, वो किया था लॉर्ड कर्जन ने, और उसी के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी। इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी यूज द फ्रेज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक? तो ये जो दिया था, ये दिया था गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के ऊपर, क्योंकि ये 1942 के अंदर आया था और उस समय पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो अंग्रेज़ चाहते थे कि इंडिया की जो सेना है वो अंग्रेज़ों की हेल्प करे, और वो बदले में चाहते थे कि इंडिया को हम आज़ाद कर देंगे वगैरह वगैरह, मतलब काफ़ी तरह के लालच दे रहे थे। बट उन्होंने सेम लालच जो था जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसके टाइम भी दिया था, तब उस समय पर इंडिया ने अपनी फुल सपोर्ट किया था, अपनी पूरी सेना भेजी थी, क्योंकि इंडिया को ये उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 जब फिनिश हुआ वो जीत गए, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो गांधी जी अब उनको अच्छी तरह जान गए थे कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 में भी उनके साथ सेना भेजी तो फिर भी उन्होंने मतलब पागल ही बनाना है, हमें कोई आज़ादी नहीं देनी है, तो इसलिए उन्होंने ये फ्रेज़ यूज़ किया था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। इसका सही आंसर है क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर। वेन वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइन? ये जो साइन हुआ था ये हुआ था मार्च 5, 1931 के अंदर, और इसी के बाद सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी गए थे लंदन। अगर ये पैक्ट साइन ना होता तो गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते ही ना, और ये क्वेश्चन भी ना बनता। वेन महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह? जब साल्ट सत्याग्रह, क्योंकि वो उस समय पर कानूनी जुर्म था कि खुद से बनाना, क्योंकि उन्होंने लॉ तोड़ा था, साल्ट का लॉ जो था वो तोड़ा था, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो था ये जो मूवमेंट चलाई थी ये लीड की थी अब्बास तैयब जी ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह वॉज?
तो जो फर्स्ट टाइम उन्होंने सत्याग्रह चलाया था वो साउथ अफ्रीका में चलाया था, तो उस समय 1908 के अंदर फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुए थे, याद रखना है 1908, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सो दैट के और लोगों को भी फ़ायदा हो सके, और जितना उसके ना अपनी नॉलेज बांटा कीजिए, अपने पास मत रखा कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और व्हाट्सएप सपोर्ट जो है ये है, और अगर आप नए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और मैं ये ट्राई भी करूँगा कि जल्द से जल्द नई वीडियो बनाऊँ, अभी थोड़ा सोच रहा हूँ मैं, शेड्यूल थोड़ा चेंज हो रहा है मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब रेगुलरली हफ्ते में 4 या 5 वीडियो तो डाल ही दूँ, क्योंकि आप सब लोग भी वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब को अच्छे से चला भी नहीं पा रहा हूँ और कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ सबके। बट वैसा नहीं होगा, मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द और वीडियो बनाता रहूँ। और इन केस अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आज आप एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि जब गांधी जी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, वो किस ईयर में आए थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो किस ईयर में वापस आए थे। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।